बैगन तो आपने बहुत बार बनाए होंगे, खाए भी होंगे, लेकिन यकीन माने फ्रेंड्स, इस नए तरीके से एक बार बैगन का सब्जी बना कर देखिए। खाने में इतना लाजवाब है कि हर बार इसी तरह से बैगन का सब्जी बनाना पसंद करेंगे। जिनको बिल्कुल भी बैगन पसंद नहीं है, आप एक बार इस तरह से सब्जी बनाकर खिला दीजिए, हर बार इसी तरह से वो सब्जी खाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लंबे दो बैगन लिया है और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। तो बैंगन को इस तरह से बड़े पीसेस में कट करना है और पीस से आप इस तरह से बैंगन में चीरा लगा लीजिए। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से चीरा लगाना है बैंगन में। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर सड़ा उड़ा है बैंगन में तो उसे आप अलग से हटा दीजिए साइड में निकाल कर। और इसी तरह से सारे बैंगन को मैं चीरा लगा देती हूँ। ऐसे सारे बैगन को मैंने चीरा लगा दिया है। ये देखिए, साइड में अभी इसे रख देती हूँ। यहाँ पर जार लिया है, जार के अंदर धनिया को पत्ते को डाला है, इसमें मूंगफली का दाना डाला है। इससे जो ग्रेवी में टेस्ट आता है फ्रेंड्स, बहुत ही लाजवाब आता है। एक बार आप इस तरह से बैगन मसाला बनाकर जरूर से ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन डाला है, एक मीडियम साइज को प्याज को लंबे पीसेस में कट करके डाला और थोड़ा सा पानी डाला है और इसे मैं पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर इसे मैंने दरदरा भी पीसा है और इसमें मैंने एक मीडियम साइज को टमाटर को कट करके डाला है और फिर से मैं इसे पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर मसाला है जो रेडी हो गया है, तभी इसे साइड में मैं रख देती हूँ और बैगन के अंदर भरने वाला मसाला मैं रेडी कर रही हूँ। तो इसके लिए 1 चम्मच बेसन डाला है, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा इसमें मैंने मिक्स किया हुआ जीरा गुलकी का पाउडर डाला है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और थोड़ा सा पानी डाल के सभी को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है, मसाला बिल्कुल ही रेडी हो गया है। तभी मैं मसाले को भी साइड में इस तरह से रख देती हूँ और मैं बैगन को ले लेती हूँ। ये देखिए, जहाँ चीरा लगा है इस तरह से चम्मच से मसालों को इसके अंदर डालकर सारे चीरे में, और इसे मसाले को अच्छे से फैला भी देना है ताकि मसाला ये जो अंदर तक बिल्कुल चला जाए। इसे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा फ्रेंड्स बैगन के अंदर। ये देखिए, और बिल्कुल इसी तरह से सारे बैगन के अंदर है जो मसालों को भर लेंगे। ये देखिए, तो मैं इसी तरह से सारे बैगन में मसाला को भर लेती हूँ। बैगन में मैंने मसालों को भर दिया है, अभी इसे मैं साइड में रख देती हूँ। गैस पर मैंने पैन रखा है, 2 चम्मच मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है। आप जो भी किचन में यूज करते हैं वो तेल से भी आप बना सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में सब्जी जो बनती है बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो यहाँ पर तेल गर्म हो गया था तो एक एक करके बैगन का पीसेस को इसमें डाल दिया है और इसे इस तरह से घुमाते हुए मैं 50% ही फ्राई करूँगी। ज़्यादा इसे नहीं फ्राई करना है फ्रेंड्स, सिर्फ 50%, और 50% ये ग्रेवी के अंदर पक जाएगा। तो ये देखिए, ये अच्छे से बैगन है जो फ्राई हो गया है, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई रखा है, कढ़ाई के अंदर मैंने 2 चम्मच तेल और ये मैंने खड़ा जीरा 1 चम्मच डाला है। और यहाँ पर जीरा का कलर चेंज हो गया था तो जो मैंने पीस कर रेडी किया मसाला वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसे 2 से 3 मिनट मिलाकर अच्छे से भून लेते हैं। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गया है तो इसमें मैंने सूखा मसाला ऐड किया है, 1 चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर और इसमें आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है। तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, अगर आप तीखी वाली डाल रहे हैं तो थोड़ा ही डालिएगा। अब अच्छे से मसालों को मिलाकर 2 से 3 मिनट भून लेते हैं। तो यहाँ पर 2 मिनट के लिए ढक्कन से ढक देती हूँ। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गया, मसाले भी अच्छे से भुंजा गया था। तो
इसमें मैंने 1 कप पानी डाला है और अच्छे से मिला दिया है। तो जितना आपको ग्रेवी रखना है उसी के अनुसार आप पानी डालिएगा। अगर आप फ्रेंड्स रोटी के साथ इसे खाना चाहते हैं तो ग्रेवी का थोड़ा गाढ़ा ही रखिएगा, और चावल के साथ अगर खाना पसंद करेंगे तो ग्रेवी को थोड़ा सा आप पतला रखिएगा। तो इसमें मैंने बैंगन को डाल दिया है और इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला, ऊपर से आधा चम्मच गरम मसाला डाला है, और इस तरह से ग्रेवी को बैंगन के ऊपर से डाल देते हैं और इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक और मैं पका लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बैंगन मसाला बिल्कुल ही रेडी हो गया है। तो ऊपर से मैंने डाला है कस्तूरी मेथी, इससे जो टेस्ट है सब्जी में बहुत ही अच्छा आएगा। अगर होगा आपके पास तो ज़रूर से डालिएगा। और थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया का पत्ता डाला है। तो गैस को अब मैं बंद कर देती हूँ। ऐसी सब्जी घर पर मैं ज़रूर से बनाती हूँ फ्रेंड्स, और खाने में बहुत ही ये सब्जी लाजवाब लगती है। तो आप इसे एक बार घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। जिन्हें बिल्कुल भी बैंगन खाना पसंद नहीं है वो भी इस सब्जी को मांग मांग के खाएंगे, यकीन मानिए, और रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स आप मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो में किस रेसिपी पर बनाऊँ मुझे ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।